गुड मॉर्निंग, नाइन्थ लेक्चर टू है ये डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। पिछले क्लास में हमने पढ़ चुका था कि डब्ल्यू एच विटिकर जो हैं, इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के तहत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम को बांटा था। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये तीनों जो हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ते हैं, ये सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्रोटिस्टा जो है ये ऑटोट्रॉफिक ये भी होता है, लेकिन इसमें यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों सेल का प्रेजेंटेशन होता है, बैक्टीरियल सेल में केवल यूनिसेल्युलर होता है। फंजाई ये मल्टीसेल्युलर होता है और मोस्टली फंगस हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स के तहत आते हैं। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों नेचर होता है, ज़्यादातर सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं फंगस। यहाँ पर रहे हैं चौथा किंगडम, डैट इज़ किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में सबसे पहले देखेंगे प्लांट्स लो लेवल से हाई लेवल की ओर, सबसे छोटा उसका जो किंगडम में टाइप है, इसके बाद जो हायर लेवल का टाइप है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले किंगडम प्लांटी को हमने पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो प्लांटी किंगडम देख लेते हैं इसका मेन कैरेक्टर क्या है। तो प्लांटी किंगडम आगे के तीनों किंगडम से हायर लेवल का होता है। तो यहाँ पे सेल वाल का प्रेजेंटेशन होता है, इसके बाद ये जो सेल वाल है ये सेल्युलोज से मिलकर बना हुआ होता है, ये इसका कंपोजिशन है। प्लांटी किंगडम में सेल वाल का प्रेजेंटेशन होगा आउटर मोस्ट लेयर के रूप में, ये सेल वाल सेल्युलोज से बना हुआ रहता है। फिर क्लोरोफिल का प्रेजेंटेशन होता है, ये ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर क्लोरोफिल का प्रेजेंटेशन होता है, ये खुद से फूड प्रिपेयर कर सकता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। फिर लार्ज वैक्यूल का प्रेजेंटेशन होता है सेंटर पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल में, ये वैक्यूल वाटर स्टोरिंग सैप है एक तरह का। लोकोमोशन नहीं होता प्लांट्स में, रिजर्व फूड के रूप में यहाँ पे स्टार्च का प्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद फिर इसको देखेंगे यहाँ पे फाइव पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, डैट इज थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हम पांचों डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले थाइलोफाइटा में देख रहे हैं, तो थाइलोफाइटा क्या होता है, इसका बॉडी थैलस लाइक होता है, इस तरह से कप शेप्ड स्ट्रक्चर का बॉडी होता है इसका। इसके बॉडी में डिफरेंशिएशन नहीं होता, डिफरेंशिएशन कहने का मतलब रूट, सूट या लिप्स में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता, सीधा इसका बॉडी रहता है साधारण सा थैलस लाइक स्ट्रक्चर के रूप में। इसके बाद यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता रूट, सूट और लिप्स के रूप में। जितने भी थैलोफाइटिक होते हैं ये सारे एक्वेटिक नेचर के होते हैं। सो थाइलोफाइटा को हम लोग एल्गी ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है, दोनों नेचर इसके अंदर प्रेजेंट है। तो कुछ स्पेशल टाइप का एल्गी है जिसको हम थैलोफाइटा भी कहेंगे, जैसे स्पाइरोगेरा, वॉल्वेक्स, कैरा, अल्थोरिक्स, क्लेमाइडोमोनास। स्पाइरोगेरा, वॉल्वेक्स, कारा, अल्थोरिक्स, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे थाइलोफाइटा का एग्जाम्पल है जिसको एल्गी भी कहते हैं। थाइलोफाइटा के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, सारे थाइलोफाइटिक एक्वेटिक नेचर के होते हैं। दूसरा है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा नॉन वास्कुलर प्लांट है, यानी यहाँ भी वास्कुलर बंडल अब्सेंट रहता है, जिसको जाइलम और फिलोएम बोलते हैं, तो ये पूरी तरह से अब्सेंट रहता है इसके स्टीम वाले पार्ट में। इसके बाद इसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा ग्रुप को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब होता है जो ज़मीन पर भी रहे, पानी में भी रहे। तो ब्रायोफाइटा भी वैसा ही टाइप का है, जो ये सेमी वाटर में भी रह सकता है और पूरी तरह से एक्वेटिक लाइफ को भी बियर कर सकता है। ये ग्रीन कलर का होता है, बट इस यहाँ भी डिफरेंशिएशन नहीं होता इसके बॉडी पार्ट में, स्टीम लाइक स्ट्रक्चर का प्रेजेंटेशन होता है इसके बॉडी में, लेकिन ये स्टीम
सिर्फ वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, पूरी तरह से वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर के रूप में फॉर्म नहीं होता स्टीम इसके अंदर। यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है वाटर के प्रेजेंस में। अब ब्रायोफाइटा में दो खास तरह का एग्जाम्पल आता है, एक को बोलते हैं लीवर ओट्स, दूसरे को बोलते हैं मॉसेस। तो लीवर ओट्स का कुछ एग्जाम्पल है जैसे मार्केंसिया, रिक्सिया, ये सारे लीवर ओट्स के एग्जाम्पल हैं, और फ्यूनेरिया ये मॉसेस के एग्जाम्पल है। तो इसमें मार्केंसिया और रिक्सिया जो है ये लीवर ओट्स है, और ये लीवर ओट्स पूरी तरह से एक्विटिक लाइफ में ही डेवलप करता है, जबकि मॉसेस का एग्जाम्पल फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया हल्का पानी, हल्का सूखापन दोनों जगह एडजस्ट कर सकता है, इसलिए ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये एक्विटिक और सेमी एक्विटिक दोनों लाइफ में खुद को डेवलप कर सकता है। तीसरा है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स ये फर्स्ट वस्कुलर लैंड प्लांट है, मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट है। टेरिडोफाइट जो होते हैं मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, और इसके अंदर वस्कुलर बंडल्स का प्रेजेंटेशन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वस्कुलर लैंड प्लांट। तो ये फर्स्ट वस्कुलर लैंड प्लांट हो गया जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों का प्रेजेंटेशन देखा गया है। दे आर ऑल्सो नोन एज स्नैक ऑफ प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइटा जो होता है ये लत्तर की तरह पूरी तरह से पानी में छितराया हुआ रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्नैक ऑफ प्लांट किंगडम। ये फर्स्ट वस्कुलर प्लांट है, इस ये सबसे मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट का भी एग्जाम्पल है। दे आर सेप्रोफाइटिक इन नेचर। जनरली ये सेप्रोफाइटिक होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के सहारे ये उगता है और बड़ा होता है। इट हैविंग ट्रू रूट्स स्टीम्स एंड लिप्स इज प्रेजेंट। टेरिडोफाइटिक प्लांट जितने भी होते हैं उसके अंदर स्टीम का, रूट का, लिप्स का डिफ्रेंसिएशन होता है उनका प्लांट बॉडी के रूप में। दे हैविंग प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर बंडल्स इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के रूप में इसके अंदर वस्कुलर बंडल का प्रेजेंटेशन होता है जो इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, फूड को ले जाने ले आने का काम करेगा। दे हैविंग बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन इट्स बॉडी। टेरिडोफाइटिक प्लांट जितने भी होते हैं तो किसी किसी प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जहां बर्ड के थ्रू फॉर्मेशन होता है प्लांट्स बॉडी। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जहां स्पोर के फॉर्मेशन से ये रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो देखते हैं कुछ इसका एग्जाम्पल, जैसे लाइकोपोडियम, मार्सेलिया, ड्रायोप्टेरिस, स्लेजिनेला। तो लाइकोपोडियम, मार्सेलिया, ड्रायोप्टेरिस, स्लेजिनेला ये खास तरह के टेरिडोफाइटिक प्लांट्स हैं जिनको हम स्नैक ऑफ अ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू भी इनके प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, यहाँ स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो टेरिडोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट्स है जिसके अंदर वस्कुलर बंडल्स का प्रेजेंटेशन जाइलम फ्लोएम के रूप में देखा गया, इसलिए इसको मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट बोलते हैं। तो हम थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में देखें। इसमें थाइलोफाइटा जो था ये पूरी तरह से एक्विटिक नेचर का है, ब्रायोफाइटा ये एक्विटिक और लैंड दोनों से रिलेटेड है, टेरिडोफाइटा ये पूरी तरह से लैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में देखने जा रहे हैं जो ये हायर लेवल का प्लांट है, और फिर देखते हैं इसके क्या करेक्टर पाया जाता है। चौथा टाइप है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वैसे प्लांट्स को बोलते हैं जिसमें नेकेड सीड का प्रेजेंटेशन हो, यानी ऐसे प्लांट्स में सीड बिल्कुल अब्सेंट होते हैं। किसी किसी प्लांट में अगर पाए भी जाते हैं तो फ्रूट का प्रेजेंटेशन नहीं होता, यानी सीड जो है फ्रूट के अंदर में नहीं होता। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में देख रहे हैं, दे आर कॉल्ड नेकेड सीड, दे आर सीडलेस और सम हैविंग सीड्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर फ्रूट। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिम्नोस्पर्म में जिनके अंदर सीड तो पाया जाता है लेकिन फ्रूट का लेयर नहीं पाया जाता, यानी डायरेक्ट सीड होता है, और मोस्टली प्लांट्स ऐसे हैं जो सीडलेस होते हैं। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स को नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। नॉन फ्लावरिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्लावर का डेवलपमेंट नहीं होता। सेक्स ऑर्गन का प्रेजेंटेशन होता है मेल के अंदर एंथ्रेडिया के फॉर्म में, एंथ्रेडिया
एंथ्रेडिया के फॉर्म में और फीमेल के अंदर आर्किगोनिया के फॉर्म में। तो मेल में एंथ्रेडिया नाम का स्ट्रक्चर होता है, फीमेल में आर्किगोनिया नाम का स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं जो फर्टिलाइजेशन करवाने में मदद करता है। इसके बाद फिर यहाँ देखते हैं, जाइलम हैविंग वेसल सेल एंड फिलोएम हैविंग कंपेनियन सेल इज अब्सेंट। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में वास्कुलर बंडल का प्रेजेंटेशन तो होता है, लेकिन यहाँ पे जाइलम में एक खास स्ट्रक्चर होता है वेसल्स, और फिलोएम में एक खास स्ट्रक्चर होता है कंपेनियन सेल्स। ये दोनों एसेसरी पार्ट है। एसेसरी पार्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। वास्कुलर बंडल के फॉर्म में ये पाया जाता है दूसरे हायर लेवल के प्लांट्स में, लेकिन यहाँ पे जाइलम के अंदर वेसल्स अब्सेंस होता है जो एसेसरी पार्ट्स है, और फिलोएम में कंपेनियन सेल्स अब्सेंस होता है जो इसका एसेसरी पार्ट्स है। ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो पाइनस, साइकस, जिंको बाइलोबा, इफीडेरा, ये खास तरह के बहुत ही ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये कुछ इस तरह का होता है। ये ज़्यादातर तुंद्रा रीजन में पाए जाते हैं जहाँ खूब सालों भर बर्फ़ गिरता है, या तो ये हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। ये अल्पाइन ट्रीज भी कहलाते हैं। तो पाइनस, चीड़ को बोलते हैं, साइकस, देवदार को बोलते हैं, जिंको बाइलोबा, इफीडेरा, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। इनके अंदर फ्लावर बिल्कुल अब्सेंस होता है। ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं, किसी किसी में सीड होता भी है तो सीड के ऊपर फ्रूट का प्रेजेंटेशन नहीं होता, यानी सीड फ्रूट के अंदर नहीं पाया जाएगा। यहाँ सेक्स ऑर्गन्स पाया जाएगा जो आर्किगोनिया और एंथ्रेडिया के फॉर्म में होगा मेल फीमेल में। फिर यहाँ पे वास्कुलर बंडल्स पाया जा रहा है, तो ये वास्कुलर बंडल्स में जाइलम के अंदर वेसल सब्सेंस होगा, फिलोएम के अंदर कंपेनियन सेल सब्सेंस होगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसके अंदर जो ज़्यादातर अनडेवलप्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये पेड़ बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। साइकस, इफीडेरा, पाइनस, जिंको बाइलोबा इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसमें जो जिंको बाइलोबा है इसको हम बोलते हैं ओल्डेस्ट फॉसिल्स, जिम्नोस्पर्म कैटेगरी का ये सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स है जिंको बाइलोबा। ये प्लांट बहुत ही कम देखने को मिलता है और इसका फॉसिल्स बहुत ही पुराना होता है इस कैटेगरी में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स जितने भी होते हैं ये हायर लेवल के प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं, फ्लावर का प्रेजेंटेशन होता है। सीडेड प्लांट्स कहलाते हैं, सीड का भी प्रेजेंटेशन होता है। यहाँ फ्लावर से ही फ्रूट का डेवलपमेंट होता है और हर फ्रूट के अंदर सीड का प्रेजेंटेशन होता है। तो एंजियोस्पर्म सीडेड प्लांट्स हो गया, फ्लावरिंग प्लांट्स भी हो गया। मोस्टली अर्थ के ऊपर जो हम प्लांट्स देखते हैं ये सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ही होते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, हैविंग प्रेजेंस ऑफ सीड्स इनसाइड द फ्रूट, दे आर मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स। एंजियोस्पर्म जो होते हैं मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स होते हैं, विच फॉर्म्स लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जो सबसे ज़्यादा प्लांट्स का प्रेजेंटेशन होता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स के रूप में ही होता है। दे हैविंग वास्कुलर बंडल्स प्रजेंट इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फिलोएम। यहाँ वास्कुलर बंडल का प्रजेंटेशन होता है जाइलम और फिलोएम के रूप में। एसेसरी पार्ट्स वेसल्स और कंपेनियन सेल्स दोनों का प्रजेंटेशन होता है। ये पूरी तरह से प्लांट्स बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाएगा, वाटर और मिनरल्स को ले जाने का काम करेगा, फोटोसिंथेसिस होने के बाद फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करेगा। तो वास्कुलर बंडल्स का प्रजेंटेशन होता है वेल फॉर्म में। इसके बाद सीड कंटेंस स्ट्रक्चर, सीड के ऊपर इस तरह का सीड होता है। तो ये सीड है, सीड के ऊपर एक लेयर पाया जाता है जिसको कॉटिलीडन्स बोलते हैं। ये सीड हो गया, ये कॉटिलीडन्स हो गया। इस कॉटिलीडन्स के प्रेजेंस के बेसिस पर ही एंजियोस्पर्मिक प्लांट को मोनोकोट और डाइकोट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कॉटिलीडन्स एक खास स्ट्रक्चर होता है सीड में जो सीड जर्मिनेशन के दौरान मदद करता है। ये कॉटिलीडन्स ब्रस्ट करता है और यहाँ से प्लीम्यूल ऊपर की ओर निकलता है जो शूट का फॉर्मेशन करता है, रेडिकल नीचे की ओर निकलता है जो रूट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। तो उस बेसिस पर हम सीड को
मोनोकोट और डाइकोट में बांटते हैं। तो मोनोकोट सीड में क्या होता है, सिंगल कॉटिलीडन्स का प्रेजेंटेशन होता है, और यहाँ पे लिप्स के अंदर जो वेन्स का प्रेजेंटेशन होता है ये पूरी तरह से पैरेलल होता है, जैसे इस तरह। ये है बनाना का लिप्स। बनाना लिप्स में जो वेन्स होते हैं पूरी तरह से पैरेलल होते हैं, ये पैरेलल है। ये बनाना में है, बनाना में देखने को मिलता है पैरेलल लिप्स का प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। तो मोनोकोटिलीडन्स में एक पहचान है कि सिंगल कोटिलीडन का प्रेजेंटेशन होगा सीड में। इसके बाद फिर जो वेन्स या वेनलेट होते हैं ये बिल्कुल पैरेलली अरेंज रहते हैं लिप्स में। इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे ऊड का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी जितने भी मोनोकोटिलीडनस प्लांट्स होते हैं यहाँ ऊड बिल्कुल अब्सेंस होता है। तो इसका एग्जांपल हो गया वीट, राइस और बनाना। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइकोटिलीडनस प्लांट्स जो होते हैं, यहाँ पे डबल कोटिलीडन्स का प्रेजेंटेशन होता है इनके सीड में। स्टीम्स ऊडी होते हैं। इसके बाद लीव्स का जो प्रेजेंटेशन होता है, यहाँ वेन और वेनलेट्स बिल्कुल नेट की तरह अरेंज रहता है। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम वेनलेट कहेंगे। तो यहाँ जो वेन्स का प्रेजेंटेशन है लीफ के अंदर, ये नेट की तरह स्ट्रक्चर होगा, इसको हम वेनलेट कहते हैं। तो मैंगो, मस्टर्ड, इस तरह से प्लांट्स में हम देखते हैं जहाँ डाइकोट का प्रेजेंटेशन होता है। तो डाइकोट और मोनोकोट ये कोटिलीडन्स के बेसिस पर डिवाइडेड था, जो एंजियोस्पर्म में देखने को मिला। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जितने भी होते हैं ये हायर लेवल के प्लांट होते हैं, या फ्लावर्स का प्रेजेंटेशन होता है, सीड का प्रेजेंटेशन होता है, ये ऊडी प्लांट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि यहाँ पे थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेलिडोफाइटा, इसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के फॉर्म में हम प्लांट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल्स किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ हम रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एक्विटिक ऑर्गेनिजम्स, आर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर 10 तरह का फाइलम है, 10 फाइलम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।